शांति। 23 अप्रैल आज बाबा हमें याद दिला रहे हैं, तुम भी व्यापारी हो। जैसे व्यापारी रात को अपना खाता चेक करते हैं, तुम सब भी रोज रात को अपना खाता चार्ट पोता मेल चेक किया करो। कितना योग का चार्ट रहा, कितने दैवी गुण रहे, किसी को कष्ट तो नहीं दिया, अशरीरी होने का अभ्यास कितना किया, क्योंकि तुम्हें अशरीरी होकर घर जाना है। और केवल पोता मेल चेक नहीं किया जाता, चेक करने के बाद उसको पूरा करेक्ट किया जाता है, कहीं गलत शब्द बोल दिए हों। संकल्प कर लें अब कैसे शब्द बोलेंगे, अभ्यास कम रहे हों, एक प्लान बना लें अपने कारोबार में रहते, कर्म में रहते, कैसे कैसे हमें शरीरीपन का योग युक्त होने का अभ्यास करेंगे। बाबा तो कह रहे हैं मुझे तो सब आत्माओं की सदगति करनी है, लेकिन किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा तुमको ज्ञान देकर सदगति करता हूं, और तुम्हारे द्वारा विश्व की सभी आत्माओं की सदगति कराता हूं। किसी को मुक्ति धाम में ले जाता हूं, किसी को स्वर्ग में भेज देता हूं। उसके लिए मैं आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। मैं ही पतित पावन हूं, सर्वशक्तिवान हूं। मेरे से बुद्धि योग लगाने से ही तुम आत्माएं पतित से पावन बनेंगी। ये बात बाबा रोज रोज हमें सिखाते हैं। तो पवित्रता की प्रतिज्ञा के साथ हम योग अभ्यास को भी बढ़ाते चलें, तब प्योरिटी नेचुरल होगी, इम्प्योरिटी हटती जाएगी। रोज बाबा हमें याद दिलाते हैं सुदर्शन चक्र की। जब तुम सतयुग में थे प्रकृति कितनी सुंदर थी, यहाँ तो फूलों में खुशबू भी नहीं है, वहां की खुशबू तो वंडरफुल थी। हम कल्पना करें जैसे सारा संसार ही प्रकृति की सुगंध से महकता होगा। बच्चे यहाँ तो पैदा होते हैं, रोते हैं, चारों ओर गंदी गंध रहता है। माँ बाबा ने कहा कोई भी रोता नहीं, गंदगी रहती नहीं है, बहुत स्वच्छ दुनिया है। और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जैसे यहाँ पत्थर वैसे वहां सोना, रेत में भी सोना होता है। तो बाबा कह रहे कल्पना करो, सोचो कितना धन संपदा सोना हीरे होंगे तुम्हारे पास। तो ऐसा दैवी गुण संपन्न प्रकृति का मालिक संपूर्ण रूप से संपत्तिवान बाबा हमें बना कर जाते हैं। हमें सोचना है हम उसके लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा आज याद दिला रहे हैं अंतर्मुखी हो जाओ, चारों ओर से बुद्धि को समेट लो। पूर्व जन्मों के कारण भी इस जीवन में बहुत कुछ होता रहता है, और भी क्योंकि कलयुग कांत है, बहुत आकर्षण है, यहाँ माया के भी आकर्षण है, विज्ञान के भी आकर्षण है। बाबा कह रहे देखो वैज्ञानिक कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुख देने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बॉम्ब्स भी तो बना दिए हैं विनाश के लिए। सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, केवल तुम्हारा देवी देवता धर्म ही बचा रहेगा। तो तुम अंतर्मुखी हो जाओ, अर्थात चारों ओर से बुद्धि को हटा लो। बहुत गहरी बात है ये। आत्मा पर केंद्रित कर देना स्वयं को, आत्मुत्थान के बारे में ही चिंतन करना, आत्मुत्थान की ही प्लानिंग करना, यह है अंतर्मुखी होना। जैसे कोई व्यापारी जिसको व्यापार बढ़ाना हो, साहूकार जिसको अपनी धन संपदा बहुत बढ़ानी हो, वो कैसे उसकी प्लानिंग करता है? चारों ओर से बुद्धि हटा के उसी की प्लानिंग करता है। हमें बाबा भी याद दिला रहे हैं तुम्हें अंतर्मुखी होकर आत्मा को ऊंचाई तक ले जाने की प्लानिंग करनी है। कितना हम योग करते हैं, कितना शरीरी होने का अभ्यास हमारा चलता है, और मुरलियों में जो जो बातें बाबा पुरुषार्थ की साधनाओं की हमें सिखाते हैं, उस पर कितना हमारा ध्यान है। अंतर्मुखी होकर चिंतन करो, अपना प्रोग्राम स्वयं बनाओ। बाह्य मुक्ता तो सारे संसार में है, सबका आकर्षण बाहर की ओर, दुनिया की ओर, धन इकट्ठा करें, बच्चों के लिए ये कर दें, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ा दें, ये सब दुनिया में चल रहा है। लेकिन अब संसार को जरूरत होगी महान योगियों की।
कौन बनेंगे सोच लें, जो सर्वस्व त्यागी हो, जिन्होंने अपने चित्त को वैराग से भर लिया हो, जिन्होंने अपने को पूरी तरह से अंतर्मुखी कर दिया हो। तो भगवान पढ़ाने आया है, हमें सब कुछ देने आया है, स्वर्ग की बात साही लेकर हमारे सामने खड़ा है। ये तो प्राप्तियां हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें बहुत कार्य करने हैं। उसके लिए हमारे पास ये आत्मिक शक्ति बहुत होनी चाहिए। ये ख्याल में रखते हुए हम अपने पुरुषार्थ का अंतर्मुखी होकर सुंदर प्लान करें। एक छोटा चार्ट अवश्य बनाएं, जो आज बाबा कह रहे हैं पोतामेल रखो। पोतामेल माना चार्ट। चार्ट बनाओ अपना, भले 3 पॉइंट का बनाओ, 5 पॉइंट का बनाओ, 1 पॉइंट चार्ट भी बनाया जा सकता है, 3 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए या रोज के लिए। कुछ हमें करते रहना चाहिए, कुछ मेहनत निरंतर चलती रहे, हमारा जीवन लौकिकता में न बह जाए, अलौकिकता की छाप हमारे मन पर, हमारे विचारों पर, हमारी बुद्धि पर रहनी चाहिए, ताकि हमारे ख्यालात बहुत ऊंचे उठ जाएं। बाबा वरदान में कह रहे हैं, संसार में अनेक चीजों को तुम सहारा बना लेते हो अपना, उन सब सहारों को छोड़कर एक बाप के सहारे पर जियो। बड़ी गहरी बात है। मोटे रूप से ये है कि किसी मनुष्य के सहारे से हम जीवन में चलते हैं, वो हमसे अच्छा व्यवहार करे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो, वो हमें उमंग उत्साह दिलाए तो हम बहुत उमंग उत्साह में रहें, उसका सहयोग मिले तो हमारा योग का चार्ट भी अच्छा हो जाए, वे हमसे अच्छा व्यवहार करें तो हमारी स्थिति बिल्कुल न बिगड़े। लेकिन इन सहारों से हम पावरफुल नहीं बन पाएंगे। यदि हमें पावरफुल बनना है तो एक बाप के सहारे पर ही हमें जीना होगा। तो बाबा से हम नॉलेजफुल भी बन जाएंगे, पावरफुल भी बन जाएंगे, और पावरफुल नॉलेजफुल उसे ही कहेंगे जो माया को दूर से पहचाने, माया आ रही है और अपने को उससे मुक्त कर ले। तो हम बहुत पावरफुल हैं, सारा दिन हम याद रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, चमकती हुई मणि हूँ, मस्तक मणि, मेरा प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है, हर घंटे में आधा मिनट। ये सुंदर अनुभूति करेंगे तो स्वयं भी प्रकाशित हो जाएंगे, आसपास के लोग भी उस प्रकाश से लाभान्वित होंगे। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।